भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आम लोगों से अलग होता है। समाज के मुख्य धारा से कटे होने के कारण आदिवासी समाज आज भी पिछड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत समेत तमाम देशों में उनके उत्थान के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिकारी और सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत में लगभग 700 आदिवासी जनजाति समुदाय है, जिनकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। आदिवासी प्राकृत पूजन है। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में रथन, छत्तीसगढ़ के हमार अलग संस्कृति है। हमन जो है, हमार छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन प्रकृति पुजारी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सन 1982 में 9 अगस्त के दिन आदिवासी मन के अधिकार, उमन के क्षेत्र ल दे बर एक मीटिंग रखे गई से, बैठक रखे गई से, जेमे हमन ला अधिकार मिलिस। वही दिन ले हमन पूरा भारत के आदिवासी मन 9 अगस्त सन 1982 से आज तक जो है 9 अगस्त ल एक अच्छा पर्व त्यौहार के रूप में मनात आत हन। एक नारा चलता है, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी समाज एक समान, क्या है इसका मतलब क्या है? एक तीर एक कमान के तात्पर्य ये है कि हमार जनजाति हैं, ये मन 42 प्रकार के जनजाति हैं। तो 42 प्रकार के जनजाति में सबके अलग अलग तीज है, त्यौहार है, वेशभूषा है। ये एक तीर एक कमान के तात्पर्य ये है कि हमन सब जन एके आन, हमार जो अधिकार है सब एक है, हमन अलग अलग नोहन। इसमें वेशभूषा होती है, संस्कृति होता है, कैसा वेशभूषा है, कैसा पहनावा उड़ा होता है आदिवासी लोगों का? हमन के पहनावा है धोती कपड़ा पहनना, पीला वस्त्र धारण करना, मुकुट लगाना, ये इस प्रकार से हमन के वेशभूषा है। अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग होता है, क्या मान्यता है उसके पीछे, कहाँ से प्रेरणा मिली इन सब चीज़ों को रखने के लिए? अस्त्र शस्त्र के प्रेरणा हमला यहाँ से मिली, जैसे हमन आदिवासियन जंगल के रहने वालान, तो जानवर से सुरक्षा के लिए भी हमन ला अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ी, और जो है हमन और लोग से सुरक्षा के लिए, अपन शारीरिक सुरक्षा के लिए भी जो है वस्त्र के धारण, शस्त्र के धारण करना पड़ी। अलग नृत्य होता है आप लोगों, क्या क्या नृत्य, क्या गाना होता है, कैसे नृत्य करते हैं, इन पर कुछ बताइए। हमन के नृत्य है कर्मा नृत्य, सुवा नृत्य। हमन के जो तीज त्यौहार होते, ये तीज त्यौहार में हमन कर्मा नृत्य ले ही ज़्यादा प्राथमिकता देथन, काबर की वो हर हमन के आदिवासी मन के एक मुख्य नृत्य है, जिनमें हमन सब जन मिलजुल करके नाचथन। और सुवा नृत्य है जिनमें महिला मन अपन सहभागी देते और उमन सुवा नृत्य करते हैं। कई प्रकार के आदिवासी आते हैं, कितने प्रकार के आदिवासी रहते हैं, इन पर थोड़ा बहुत जानकारी बताएं। हाँ, 42 प्रकार के जनजाति होते हैं। अब हमारे क्षेत्र में फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बड़े साजापाली क्षेत्र में सौरा है, बिंझवार हैं और मन्नेवार हैं और गोंड समाज, सबसे ज़्यादा जो है गोंड समाज हैं।